हे एवरीवन, मैरी क्रिसमस। तो आज है 25 दिसंबर। तो आप जानते ही हैं कि 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस डे। तो आज क्रिसमस डे है और कल है मेरा बर्थडे। और ये शायद मैंने आपसे इंस्टा स्टोरी पर भी अपनी शेयर किया था। तो आपने पूछा था कि मेरा बर्थडे कब आता है। तो मेरा बर्थडे क्रिसमस डे के नेक्स्ट डे ही होता है, यानी कि 26 दिसंबर को। तो अभी मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और सभी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ एज यूजल। पिछले साल भी मैंने अपना बर्थडे व्लॉग आपसे शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और कमेंट्स करके ज़रूर अपनी बेस्ट विशेस दीजिएगा मुझे, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर किए बिना तो मेरी हर खुशी अधूरी है, आप जानते ही हो ये सब। तो अभी जो क्रिसमस डे का पौधा देख रहे थे, इसे मैंने कल ही पेंट कर दिया था और वो सूख चुका है। बस मैं अभी इसे अंदर रखने के लिए जा रही हूँ और शाम को बच्चे उसे डेकोरेट करेंगे। और घर का जो भी काम होता है वो सभी हो चुका है, जो भी डेली रूटीन का काम होता है वो सारा मैं कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। चलो अब तुम्हारे गिफ्ट देती हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको बाद में खोल लेंगे। निकलवा, इतना भारी, देखो निकाल के। बहुत भारी है। और भी स्पेशल है कुछ? स्पेशल नहीं देखा? वाह, बच्चा था। कैसा लगा? मेरी बहुत बढ़िया। ये वाला दिखाओ, उधर वाला दिखाओ, कप दिखाओ, अपनी अपनी पिक दिखाओ। तीन है तेरी में? और मिठू कितनी है? तीन दिखाओ 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 दिखाओ। वाह, कैसा प्रेटी। लगा मिठू? हर प्रेटी। बार अपना दिखाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि दोनों बच्चों को गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगे, बहुत ज्यादा पसंद आए उन दोनों को अपनी गिफ्ट्स। और उनकी नानी ने भी दिए हैं, मैंने भी दिए हैं, चॉकलेट्स गिफ्ट की थी उन्हें मैंने। और यहाँ पर मैं अब सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने राजमा उबाल लिए थे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ये पेंट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने पिछले साल इस पर पेंट किया था लेकिन वो उतर गया था, तो मैं अब इस पर दोबारा से बस एक ही कोट करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मैंने और भी प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने पेंट कर लिया है, बस अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा तो बच्चे इसको डेकोरेट करेंगे, क्योंकि शाम होने वाली है। वैसे अभी मतलब दोपहर का वक्त था तो मैंने फटाफट से इसको बस इस तरीके से कर दिया है इसको पेंट। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों बच्चे डेकोरेशन कर रहे हैं। दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है क्रिसमस को डेकोरेट करने का और हर साल दोनों यही करते हैं। और गाइज, आप इस व्लॉग को देख पाएंगे सैटरडे या संडे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो अभी सुबह के 8 बज चुकी है और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया था। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो इसलिए भी काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी रिलैक्स हुआ है, क्योंकि छुट्टियों में आप अच्छे से नींद पूरी कर पाते हो अपनी। तो बस आज मेरा बर्थडे है और शाम को मेरे ब्रदर वगैरह भी आएंगे, उनका फ़ोन आया था, दोनों ब्रदर का, कि शाम को हम आएंगे। और मेरी मॉम डैड भी अभी दिन में थोड़ी देर में आएंगे। तो मैं चलिए फिर घर का कुछ काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी मैंने कुकर में से सब्जी को निकाल दिया है, पतीले में मैंने ट्रांसफर कर लिया सब्जी। ये देखिए मेरी राजमा की सब्जी है तैयार। देखिए, मैंने सोचा क्यों ना ब्रदर आने वाले हैं तो उनके आने से पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अभी शाम के 5 बज चुकी है, इस वक्त मैं शूट कर रही हूँ। तो मैंने राजमा वगैरह बना लिए हैं। मैंने एक्चुअली कल भी राजमा ही बनाए थे और आज भी राजमा बनाए थे। मैंने राजमा इसलिए बनाए थे गाइस क्योंकि मेरे भाई को, मेरे दोनों भाइयों को मेरे हाथ के राजमा चावल ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जब भी वो आता है तो मैं राजमा जरूर बनाती हूँ उसके लिए। वैसे मैंने और भी सब्जी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, आप देख सकते हो। मैंने इसमें राजमा बनाए हैं और मिक्स वेज बनाई है, मतलब आलू मटर गोभी गाजर पनीर सब मिक्स करके बनाई है मैंने अच्छे से। इसके बाद मैंने बनाई है मशरूम चिली या चिली मशरूम, और दाल भी बनाई है मैंने। तो अभी मैंने खाना वगैरह सारा तैयार कर लिया है, बस अभी थोड़ी देर में सब आ जाएंगे, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।
तो अभी आपने देखा दोस्तों कि मैंने अपना सारा अरेंजमेंट कर लिया है, तो अभी काफी मैं देर बाद आपसे मिल रही हूँ। सारा घर का काम भी हो चुका है, साफ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो यहीं पर मैं ड्राइंग रूम में मतलब लिविंग एरिया में यहीं पर अरेंजमेंट करने वाली हूँ, यहीं पर हम मस्ती करेंगे सारी रात। और राज ने मुझे क्या गिफ्ट दिया, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, राज ने मुझे चॉकलेट्स गिफ्ट किए और मेरे बच्चों ने, दोनों ने मुझे बहुत ही प्यारे हैंडमेड ग्रीटिंग गिफ्ट किए हैं। तो बस कितना अच्छा लगता है ना वैसे जब जन्मदिन होता है और बच्चों के साथ ही असली खुशी मनाई जाती है, फैमिली में आप सभी के साथ अपनी खुशी बांटो तो इससे ज्यादा बड़ी और चीज और क्या हो सकती है आपके लिए बर्थडे पर। तो बस अभी थोड़ी देर में ब्रदर वगैरह आ जाएंगे और बहुत अच्छा रहा मेरा आज का दिन। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिल लेती हूँ और बाकी की तैयारियां भी कर लेती हूँ। वैसे ऑलमोस्ट सभी तैयारियां हो चुकी है, खाना वगैरह मैंने सब बना लिया है। और गाइज प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट मुझे जरूर दीजिएगा, कमेंट में अपनी ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। तो यहाँ पर मुझे राज ने गिफ्ट की थी चॉकलेट और बहुत ज़्यादा टेस्टी चॉकलेट थी, ये डार्क चॉकलेट है अमूल की, फ्रूट एंड नट वाली, और मुझे चॉकलेट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर अपनी चॉकलेट इंजॉय कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा यमी है चॉकलेट, और वैसे भी डार्क चॉकलेट तो ज़्यादा नहीं खाई जाती है, थोड़ी थोड़ी कर ही खाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे जो मतलब बिस्तर बिस्तर थे, जो भी मतलब गद्दा वगैरह था, वो मैंने सब यहाँ पर लगा लिया बिस्तर अच्छे से, तो यहीं पर हम आज रात को इंजॉय करने वाले हैं। बस अभी थोड़ी देर में मेरे ब्रदर आ जाएंगे, सामने मेरा छोटा भाई है और ब्लैक टी शर्ट में आप भी देख रही है मेरा बड़ा भाई है। तो अभी मेरे ब्रदर और मेरी भाभी जो है वो आ चुके हैं, और चलिए मैं आपसे मिलवा देती हूँ। ये मेरा भतीजा है जयंत, से हाय। हेलो। तो बस अभी सभी आ चुके हैं, तो चलिए मैं उनको अटेंड कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो ये है मेरी भतीजी वानी, जिसकी आपने टिकटॉक पर वीडियो भी देखी थी, से हाय। तो अभी ये केक खाकर आई है, मिश्री आ गई है। हेलो हेलो हेलो। तो सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बस अभी मस्ती टाइम हो रहा है, तो अभी केक कट करने जा रही हूँ, केक कटिंग का टाइम हो चुका है, तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस अभी मैं आपसे अपनी कुछ पिक शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर हम सभी नाच रहे थे, मेरा भी आपने डांस देखा, मैंने भी थोड़ा सा डांस किया था, और ये मेरा भतीजा है, दोनों बच्चे मतलब सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे यहाँ पर, और राज भी उनके साथ एंजॉय कर रहे थे, आप देख रहे हो। तो काफ़ी देर तक डांस किया हमने, केक काटने से पहले भी डांस किया और केक कटिंग के बाद भी हमने डांस किया, सभी ने बहुत मस्ती की। सो गाइज यही था मेरा आज का व्लॉग, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज गाइज लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।